Okay, so welcome friends, welcome to Python for Finance tutorial, anything can be automated. हमने लास्ट वीडियो में देखा था वेरिएबल एक्सेल में और पाइथन में कितना सिमिलर है द रूल्स फॉर असाइनिंग अ वेरिएबल. तो आज हम डेटा टाइप्स के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे फॉर इंटीजर्स बूल्स एंड फ्लोट. सो लेट्स स्टार्ट. सो हम देखेंगे कि आज इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, बूल क्या होता है. सो हमने एग्जाम्पल देखे रखे 1, 2, 3, 2.5, ट्रू फॉल्स, ये सब आपके इंटीजर में होल नंबर, फ्लोट में डेसिमल एंड बूल में ट्रू फॉल्स. ओके सो अब इसी चीज को हम अगर एक्सेल में देख लेते, ठीक है. अब एक्सेल में हम सब ने इंटीजर्स में काम किया, हम हमेशा नंबर्स में ही काम करते हैं, है ना. 10,000 आपको मल्टीप्लाई करना हो, एडिंग करना हो, सब्सट्रैक्ट करना हो, डिवाइड करना हो, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट बोल रहा हूँ, आपको टू द पावर करना हो, लाइक 4 to the power 2, 16, राइट. तो आपको स्क्वायर रूट करना हो या आपको मॉडुलर डिवीजन. मॉडुलर डिवीजन आप लोग को याद होगा, इट्स गेटिंग द रिमाइंडर. इट्स लाइक अगर आपको देखना हो कि वो 3, 14 / 3 में रिमाइंडर कितना आएगा, इट विल बी 2, राइट. सो दैट्स कॉल्ड मॉडुलर डिवीजन. एंड फ्लो डिवीजन होता है कि आपको कोसेंट मिलता है, 3, 4, 12 एंड देन 2 रिमाइंडर. तो 4 जो होता है दैट्स अ कोसेंट. सिमिलरली इफ यू हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी ब्रैकेट एंड बोर्ड मास रूल फॉलो होता है, पहले मल्टीप्लाई होगा एंड देन आपका एड होगा. सो 10 × 10 = 100 + 4 = 104. बट अगर ब्रैकेट्स यूज करते हो तो पहले आपका ब्रैकेट के अंदर के ऑपरेशन होंगे एंड देन बाहर के. सो दिस इज अ वेरी सिंपल. आप लोग ये कैसे सिखा रहे हो, बट इसी चीज को अगर जुपिटर नोटबुक में भी करके देख लेते हैं कि जुपिटर नोटबुक में मतलब पाइथन में जुपिटर नोटबुक इज एन आईडी. तो पाइथन में ये चीज को हम कैसे करते हैं, एंड इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डू इन एक्सेल, राइट. सो इसलिए जस्ट व्हाई आई एम टेलिंग यू इज कि आपको एक फील होगा कि ये ना दोनों में सेम चीज है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है. तो हमने ये अपने फोल्डर में आए पाइथन फॉर फाइनेंस, इसमें एक पाइथन 3 फाइल बनाते हैं. लेट्स कीप अ नेम लाइक वेरिएबल इंटीजर, है ना. तो लेट्स स्टार्ट. तो इसमें जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी सेम है, आपको सिर्फ नंबर्स में मल्टीप्लाई करके आप देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट. सो मल्टीप्लिकेशन इज सेम, द एडिंग इज सेम, सब्सट्रैक्टिंग एंड डिवाइडिंग ऑल दीज आर सेम. देखो एक्सपोनेंशियल में देयर इज अ बिट ऑफ डिफरेंस. लाइक एक्सपोनेंशियल में हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने टू द पावर 10 हमें करना, हमने वो यूज किया था. बट यहाँ पे हम यूज करते कुछ और ही आता है, राइट. अब मेरे को नहीं पता ये 8 किस हिसाब से आया है, आप लोग प्लीज बता देना कमेंट्स में अगर आप लोगों को समझ आता है. तो 2 to the power 10 के लिए हमें डबल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट. तो दिस इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल, आपका वहां पे वो होता है बट यहाँ पे आपका डबल मल्टीप्लाई होगा. सिमिलरली स्क्वायर रूट करना है, देन यू कैन सिंपली डू 2 to the power 0.5, है ना. जैसे यहाँ पे 144 है, 144 to the power 0.5 12 आ जाएगा. अब क्यूब रूट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 0.33, तो 1/3 लिख दीजिएगा ब्रैकेट में. मॉडुलर डिविजन के लिए परसेंटेज होता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर. If by chance you have to get a remainder, तो आपको percentage देना पड़ेगा, right? Flow division के लिए दे double backslash वाला divide. Single divide से तो normal आ जाएगा, है ना, मतलब 4 point something आ जाएगा. After double backslash से quotient आ जाता है. And वही without brackets the Boardman's rule will be followed in Python as well. And अगर आपको कोई specify करना pattern को, then you have to give the brackets. So this is quite like very easy and very simple stuff. अब हम बुलियन की तरफ जाते हैं. तो बुलियन में हमारा क्या होता है कि हमने ट्रू फॉल्स बोला, तो ट्रू फॉल्स भी हमारे इन 6 केसेस में हो सकते हैं. कि हम बोल सकते हैं इफ दिस इज इक्वल टू दिस, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू दिस तो ये ट्रू फॉल्स देगा, 5 is not equal to 5 तो फॉल्स देगा, 9 is greater than 5 तो ऐसे करें. आप ग्रेटर दैन इक्वल टू ग्रेटर और लेस दैन इक्वल टू एंड लेस दैन ग्रेटर दैन, तो ये 6 तरीके के होते हैं. ये इफ के साथ काफी काम आता है एक्सेल में, राइट. तो हम वो पाइथन में भी करेंगे. अब पाइथन में हम अगर इक्वल टू हमें देना है 5 = 5 तो हम सिंगल नहीं, हम डबल इक्वल टू देते हैं. अब इसका रीजन क्या है, जैसे कि सिंगल इक्वल टू में तो क्या बोलता है, इट इज असाइनिंग, इट असाइन्स, राइट. मैंने वेयर इक्वल टू 5 में देता हूं तो ये असाइन करता है 5 का वैल्यू वेयर में. तो 5 इक्वल टू 5 में ये 5 को 5 में तो नहीं कर सकता, इसलिए ये डबल इक्वल टू देना पड़ता है. ओके, तो इक्वल टू के लिए ये, नॉट इक्वल टू के लिए वही एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन एंड बाकी सब सेम होगा. तो जस्ट 2 things यू हैव टू रिमेंबर, दैट व्हेन अगर आपको भी इफ स्टेटमेंट लिखोगे, इफ दिस इक्वल टू दिस तो आपको डबल इक्वल टू देना पड़ेगा, राइट. सो वो एक एंड नॉट इक्वल टू के लिए वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ देना पड़ेगा. तो वही आप इसका कभी भी आप टाइप वगैरह देखोगे सब बूल टाइप आएगा आपका, है ना. सो प्रीटी मच नॉट ज्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है इसमें. एक राउंडिंग आप होता है कि जब आपको डेसिमल मिलता है, जब फ्लोट मिलता है आपको, इफ यू वॉन्ट टू फ्लोट को आप अगर ना उसका डेसिमल प्लेसेस को कम करना चाहते हो तो राउंड एक फंक्शन है जो आपका सेम एक्सेल की तरह काम करता है. नंबर दो एंड देन आप असाइन करो.
ओके देखो आप कोई भी एरर आता है तो ईओएफ रेफरेंस है, एंड ऑफ फाइल रेफरेंस, ठीक है। तो कोई भी एरर में आपको घबराना नहीं है, इट विल ये अच्छे से बताएगा अनएक्सपेक्टेड ईओएफ, तो एंड ऑफ फाइल हुआ है बिकॉज उसको ब्रैकेट नहीं दिखा, है ना। तो इन दैट वे यू हैव टू बी नेवर कंफ्यूज्ड कि ना आपका अगर कभी एरर भी आता है देन दैट्स फाइन, यू कैन सिंपली रीड कि वो एरर किया है एंड हम बाद में आके बोलेंगे कि एरर को कैसे हैंडल करता है, इट्स वेरी इजी, दैट विल डिस्कस ना। सो नाउ जस्ट कॉम्प्रीहेंडिंग ऑल व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ, सो वी हैव लर्न वेरिएबल्स इन एक्सेल एंड पाइथन, दे आर वेरी सिमिलर, किसी का भी नाम देना सिमिलर टू राइटिंग अ नेम, रूल्स फॉर द वेरिएबल्स, आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ डेटा यूजिंग द टाइप फंक्शन, दोनों में सेम है एक्सेल एंड पाइथन में, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, बॉडमास रूल, वो पावर के लिए, रिमाइंडर के लिए, कोसाइन के लिए, फोर डिवीजन एंड राउंडिंग अप इन पाइथन, सो दीज ऑल थिंग्स वी हैव लर्न। एंड बाकी स्ट्रिंग्स को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, दैट विल सी इन आवर नेक्स्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।